नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका कल्पना की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स, चावल वेजिटेबल्स के फरे। तो चावल वेजिटेबल्स के फरे बनाने के लिए हमने ले रखा है, ये सेम इतनी बड़ी कटोरी लेना है और ये डेढ़ कटोरी चावल का आटा है, ये एक कटा हुआ प्याज है, ऑनियन, कैप्सिकम एक छोटी कटी हुई, शिमला मिर्च और ये दो तीन ग्रीन मिर्ची हैं कटे हुए, ग्रीन चिली, और ये है बीट रूट कटा हुआ आधा, और ये है फ्लावर जो मैंने ग्रेट कर रखा है, ग्रेटेड है वो, और ये है धनिया। तो अब और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। अब इस चावल में ही हम इन सबको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और हेल्दी भी रहता है, क्योंकि इसे हम भाप में पकाएंगे। इन सबको ये हम डाल लिए हैं शिमला मिर्च, बीटरूट, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हरी मिर्च कटी हुई, और ये है एक टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स में पहले से ही पानी कुछ रहता है, देख सकते हैं आप। और जो इसमें पानी का प्रयोग करेंगे वो उबला हुआ रहेगा, गर्म पानी रहेगा, क्योंकि चावल का आटा क्या रहता है ना, बहुत ड्राई रहता है। तो इसमें हमने डाला ज़रा से ये पानी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सॉफ्ट डो बना के इसको तैयार कर लेंगे। आप ज़रा ज़रा से पानी डालिएगा, और इसको नॉर्मल जैसा आप रोटी के लिए आटा तैयार करते हो ना गूंथ करके, वैसे ही तैयार करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा डो अच्छे से बनके डो तैयार हो गया, सॉफ्ट आटा लग गया है इसका। अब इसकी हम बनाएंगे फरे। तो चलिए हम इसके फरे बनाने शुरू करते हैं। ये हमने फरे बनाने शुरू कर दिए। फरे बनाने से पहले हम अपने हाथ में ज़रा सी घी या तेल का लेयर लगा लेना है, और ऐसे ऐसे हमें फरे बना करके, बहुत ही आसान रहता है बनाना और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है ये। ऐसे ही सारे फरे हमें हमारे तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही पतले पतले बना लेंगे, खाने में बहुत ही अच्छे रहते हैं। सारे फरे हमारे ऐसे ही तैयार करने हैं। जी फ्रेंड्स, देखिए हमारे फरे बनके तैयार हो गए हैं। और ये फरे जैसे मैंने बनाए ना, इधर मैंने इडली स्टैंड में या तो एक भगोने में पानी रख देंगे वो उबलने के लिए, क्योंकि इनको स्टीम देना है। आप देख सकते हैं हमारा पानी उबल रहा है, और हमने बॉयल हो रहा है, और हमने यहाँ पे एक छलनी ले रखी है, और उसके ऊपर हल्का सा घी लगा रखा है, इसलिए क्योंकि जो कि अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे फरे आपस में चिपके नहीं, इसी तरह हम सारे फरे इसमें रख देंगे। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी रहता है ये खाने में, स्वाद एकदम अलग रहता है इसका। कलर आप देख रहे हैं बीट रूट की वजह से बहुत अच्छा आया है। आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप उसमें मटर भी डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में उपलब्ध हैं आप डाल सकते हैं इसमें। तो हम ऐसे ही सारे इसमें रख देंगे। फरे मैंने रख दिए हैं भाप में पकने के लिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे फरे पक के तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। 10 मिनट रखा था मैंने इनको स्टीम करने के लिए। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इनको एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। हम अपने सारे फरे ऐसे ही निकाल के एक बॉल में रख लेंगे।
आप इस फरे को बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है। पर इसको अगर आप ज़रा से फ्राई करके खाएंगे तो और भी स्वाद इसका बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है, उसमें आधा टेबल स्पून ये देसी घी डाल दिया है और एक टेबल स्पून जीरा, इसमें हम जीरा डाल देते हैं और जीरा को चटक जाने देंगे। तो हम अब इसमें डाल देंगे फरे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, इसका स्वाद बहुत ही अलग रहता है, आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत ही अलग दिख रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इसकी लेयर क्रंची होने तक हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं इसको, ये देखिए, ये ऐसे इनका लेयर क्रंची हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे फरे बनके तैयार हो चुके हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत ही हेल्दी रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, प्लीज़ ट्राई।